ओके, पब्लिक की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक। ठीक है, अब यहाँ पे जो पब्लिक की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक जो है, जिसमें हम लोग जो भी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करेंगे वो दो की हेल्प से करेंगे। ठीक है, देयर आर टू कीज इन पब्लिक की एनक्रिप्शन, ए प्राइवेट की और ए पब्लिक की। ठीक है, यहाँ पे दो कीज होंगे, एक होगा प्राइवेट की और दूसरा होगा पब्लिक की। द प्राइवेट की इज गिवन टू द रिसीवर वाइल द पब्लिक की इज प्रोवाइडेड टू द पब्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं। जो पब्लिक की होगा, ठीक है, वो पब्लिक को दिया जाएगा। ठीक है, और जो प्राइवेट की जो होगा वो किसको मिलेगा? रिसीवर को मिलेगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, कंप्यूटर ए जो है वो क्या कर रहा है, वो एक प्लेन टेक्स्ट भेज रहा है। किसको? बी को भेज रहा है। ठीक है, देन उसके बाद अब ये ए जो है वो किस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है। ठीक है, अगर मान के चलिए जैसे फेसबुक है, फेसबुक यूज करके एक मैसेज सेंड कर रहा है। ठीक है, फेसबुक के जितने मैसेजेस वगैरह होते हैं वो सारे एनक्रिप्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फेसबुक ने मान के चलिए पब्लिक की एनक्रिप्शन यूज किया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो भी यूजर ए है, यूजर ए ने क्या किया, एक मैसेज सेंड किया बी को। ठीक है, अब मैसेज सेंड किया तो वो प्लेन टेक्स्ट में सेंड किया। फेसबुक ने क्या किया, उसमें एनक्रिप्शन अप्लाई किया। अब उसने एनक्रिप्शन कौन सा अप्लाई किया? पब्लिक की एनक्रिप्शन अप्लाई किया। ठीक है, ऐसा एज्यूम करके हम लोग चल रहे हैं। अब जो भी एनक्रिप्शन टेक्निक है, ठीक है, उस टेक्निक में उसने दो की का यूज किया। एक जो है वो पब्लिक की, जो उस प्लेटफॉर्म के मीन्स उस फेसबुक एप्लीकेशन के पूरे के पूरे यूजर्स के लिए कॉमन होगा। पूरे के पूरे यूजर्स के लिए क्या होगा? कॉमन होगा। ठीक है, तो एक पब्लिक की उसने लगाया और एक प्राइवेट, एक पब्लिक की लगा के उसने क्या किया, एनक्रिप्शन अप्लाई कर दिया। ठीक है, एनक्रिप्शन अप्लाई करने के बाद क्या बन गया, प्लेन टेक्स्ट से कन्वर्ट हो गया साइफर टेक्स्ट में, और साइफर टेक्स्ट को उसने ओवर द नेटवर्क सेंड कर दिया। अब वो जब रिसीवर एंड के पास पहुंचेगा, ठीक है, तो वहां पे डिक्रिप्शन अप्लाई होगा, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम होगा। डिक्रिप्शन जो यहाँ पे साइफर टेक्स्ट जनरेट है, साइफर टेक्स्ट से वो किस में कन्वर्ट करेगा, वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। अब वहां पे जो इस रिसीवर जो है, जो रिसीवर बी है, जो यूजर होगा, अब उसके पास एक पर्सनल प्राइवेट की होगा, एक पर्सनल प्राइवेट की होगा जिससे वो हर किसी के मैसेजेस को ओपन कर सकता है। ठीक है, और साथ में उसको पब्लिक की भी मिलेगा, जो पब्लिक की सभी यूजर्स के लिए कॉमन है, और एक पर्सनल उसका की होगा जिसके थ्रू वो अपने जो भी मैसेजेस वगैरह रिसीव कर रहा है उसको डिक्रिप्ट करने का काम करता है। तो पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों अप्लाई करेगा और वो अपने साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये वैसे ही सेम प्रोसेस है जैसे कि हम लोग बैंक में जाते हैं और वहाँ पे लॉकर रहता है। ठीक है, बहुत सारे लॉकर्स रहते हैं, तो जितने भी लॉकर्स होते हैं सबके कस्टमर अलग अलग होते हैं। मतलब एक कस्टमर के पास एक लॉकर होता है या दो लॉकर होते हैं। ठीक है, अगर उसके पास गोल्ड्स वगैरह ज़्यादा है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, अगर ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है तो दो लॉकर ले लेता है। ठीक है, तो हर एक लॉकर का चाबी अलग अलग होता है, लेकिन हर लॉकर का एक कॉमन की होती है जो बैंक के पास होता है। ठीक है, तो वो लॉकर कैसे खुलेगा? सबसे पहले बैंक का जो की है, ठीक है, जो बैंक के पास रखे रहता है वो की अप्लाई करते हैं सबसे पहले, वो की को लगाएंगे। फिर उसके बाद जो प्राइवेट की होगा मींस जो कस्टमर के पास रखे रहता है की, उसको लगाएंगे, तब जाके वो लॉकर खुलेगा। ठीक है, मतलब दोनों की जब लगेगा तभी खुलेगा। ठीक है, एक पब्लिक की जो सारे लॉकर्स के लिए कॉमन है और एक प्राइवेट की। ठीक है, तभी वो खुलता है और हम लोग उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालना है जो भी, मतलब वो लॉकर को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई होता है, जब पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों लगेगा तभी डिक्रिप्शन प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है, डिक्रिप्शन हम लोग तभी कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर एक भी की हमारे पास मिसिंग है, मान के चलिए हम लोग पब्लिक की एनक्रिप्शन लगा लिए, ठीक
ठीक है, उससे एनक्रिप्ट कर लिए, तो अगर पब्लिक की हमें नहीं मिला तो हम लोग प्राइवेट की अकेला यूज नहीं कर सकते इस केस पे, ठीक है, डिक्रिप्शन हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे दोनों की नेसेसरी होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे पब्लिक की एनक्रिप्शन काम करता है, ठीक है। प्राइवेट की यूज करके वो तो डिक्रिप्ट करेगा ही करेगा, जब तक उसको पब्लिक की नहीं पता होगा तब तक वो प्राइवेट की भी अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो डिक्रिप्शन प्रोसेस है उसके अंदर दो पैरामीटर है, पब्लिक की और प्राइवेट की, तो पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों जब अप्लाई करेगा तभी वो डिक्रिप्शन प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, और साइफर टेक्स्ट से चेंज कर सकता है वापस से प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है। इन पब्लिक की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन द पब्लिक की इज यूज बाय द सेंडर इज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट की यूज बाय द रिसीवर, ठीक है। पब्लिक की यूज बाय द सेंडर मतलब ये जो पब्लिक की है वो डिफरेंट होगा और प्राइवेट की डिफरेंट होगा, ठीक है। द पब्लिक की इज अवेलेबल टू द पब्लिक वाइल द प्राइवेट की इज केप्ड बाई ईच इंडिविजुअल, ठीक है। पब्लिक की जो है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा, मतलब कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करते हैं, जो भी चैटिंग एप्लीकेशन या फिर कोई ऐसा कम्युनिकेशन हम लोग यूज करते हैं जिसमें एनक्रिप्शन अप्लाई किया गया है, ठीक है, तो जितने भी यूजर्स उससे कनेक्टेड होंगे उसके लिए पब्लिक की यूज किया जाता है, मतलब सभी का एनक्रिप्शन मेथड सेम होगा, ऐसा मान के चलते हैं सभी का एनक्रिप्शन मेथड सेम होगा, सभी एक ही टाइप के पैटर्न के एनक्रिप्शन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जितने भी यूजर्स होंगे सबके पास जो डेटा रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, उस रिसीव करने के लिए प्राइवेट की अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ दो की काम करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पब्लिक की एल्गोरिथम इज नोन एज आर एस ए, ठीक है, आर एस ए एक एल्गोरिथम होता है, ठीक है, जो पब्लिक की एल्गोरिथम को यूज करता है, और जनरली बहुत सारे जैसे कि जो सोशल मीडिया होते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, या फिर जो भी थोड़े अच्छे हाई लेवल के जो चैटिंग एप्लीकेशन जैसे जूम वगैरह हो गया, ठीक है, वेबएक्स हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जो पब्लिक के एनक्रिप्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट सिक्योर एनक्रिप्शन टेक्निक होता है, मतलब यहाँ पे जो कीज़ वगैरह भी होते हैं वो रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है हम लोग को सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, मतलब डेटा की जो सिक्योरिटी होती है तो वो भी हम लोग को बहुत अच्छी मिल जाती है। जैसे ईमेल्स वगैरह भी हम लोग करते हैं, तो ईमेल्स में भी जो अगर जीमेल यूज़ करें तो उसमें भी हम लोग को एनक्रिप्शन मिलता है, ठीक है। नेट बैंकिंग हम लोग यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग में भी यहाँ पे पब्लिक की एनक्रिप्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आर एस ए एल्गोरिथम जो होता है वो पब्लिक की एल्गोरिथम को ही यूज़ करके बनाया गया है और बहुत सारे एप्लीकेशंस में वो यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं, ठीक है, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे या फिर और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम लोग को पब्लिक की एनक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें हम लोग लगाते हैं डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होगा, वो ऑथराइज जो पर्सन होगा वो अपने डॉक्यूमेंट्स में डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई कर सकता है, और डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करने से जो उसके कंटेंट है वो तो सिक्योर हो ही जाते हैं, साथ में जो पर्सन है, ठीक है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है वहाँ पे, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट जब भी शेयर करता है साथ में पब्लिक की भी शेयर करेगा, लेकिन जो उसको ओपन करेगा, ठीक है, जो उसको ओपन करेगा, जैसे कि हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम लोग नेट बैंकिंग से निकालते हैं अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है, हर महीने निकालते हैं या फिर हर महीने मेल आ जाता है, तो वहां पे जो डॉक्यूमेंट होता है वो सिक्योर होता है, डॉक्यूमेंट सिक्योर होता है, तो डॉक्यूमेंट में कुछ एनक्रिप्शन वहां पे लगाया जाता है, लेकिन वहाँ पे कॉमन एनक्रिप्शन यूज होता है जिसको पब्लिक की के द्वारा मतलब वो पीडीएफ जो फाइल होती है वो सेंड किया जाता है, उसके साथ में पब्लिक की आती है, ठीक है, वो पब्लिक की जो है उसके थ्रू वो फाइल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, फाइल एक्सेस करने के लिए वो पब्लिक की का यूज करेगा, लेकिन फाइल के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए वो प्राइवेट की का यूज करेगा, ठीक है। फाइल को उसने एनक्रिप्ट करने के लिए क्या किया, पब्लिक की का यूज किया,
ठीक है, लेकिन उसके कंटेंट को निकालने के लिए, कंटेंट को डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करेगा वो, फाइल को एक्सेस करने के लिए तो पब्लिक की यूज़ कर ही रहा है, कंटेंट के लिए क्या करेगा वो प्राइवेट की का यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा, जैसे हम लोग ई आधार कार्ड हम लोग निकालते हैं इंटरनेट, ई आधार कार्ड हम लोग डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ से एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होती है। ठीक है, वो प्रोसेस पे हम लोग नहीं जाते हैं कैसे डाउनलोड करते हैं, तो सभी लोगों को पता होता है। तो वहाँ से हम लोग एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते हैं, पीडीएफ फाइल डाउनलोड किए हम लोग, उसको ओपन करने की कोशिश किए, जब ओपन किए तो एक्सेस कर रहा है, एक्सेस कर रहा है मीन्स वहाँ पे पब्लिक की लगा के वो उसने सिक्योर किया हुआ है। जब वो उसके साइट से डाउनलोड होता है, ठीक है, तो उसके साइट से डाउनलोड हुआ और अपने डिस्क में स्टोर हुआ, उसके बीच में नेटवर्क यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फाइल को सिक्योर करना होता है। ठीक है, फाइल सिक्योर किससे करेगा वो, पब्लिक की से कर दिया। ठीक है, मतलब वहां से एनक्रिप्ट करके भेजा, तो भेजेगा तो पब्लिक की ही यूज करेगा वो। ठीक है, अब वहां पे जो पब्लिक की से यूज हुआ, उसके अंदर के जो कंटेंट है, जो भी हमारे डेलिकेट इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, आधार कार्ड है, ठीक है, जैसे एड्रेस है, फोन नंबर है, बहुत सारे डेटा होते हैं। ठीक है, उसके साथ में डिजिटल सिग्नेचर भी होता है। ठीक है, तो उसको क्या करेगा वो, सबका इंडिविजुअल वहां पे क्या करेगा, प्राइवेट की दिया होता है। हम लोग वहाँ पे एक पासवर्ड डालते हैं, कुछ एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न में हम लोग पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड एक्सेप्ट करता है और वो सारे कंटेंट एज इट इज डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो वो साइफर टेक्स्ट से चेंज कर देता है प्लेन टेक्स्ट में, साइफर से टेक्स्ट से चेंज कर देता है प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, तो फाइल के साथ में एक एल्गोरिथम भी आता है, मतलब फाइल ऐसी वैसी फाइल नहीं रहती, वो हम लोग को लगता है कि वो पीडीएफ फाइल है, लेकिन उसमें एनक्रिप्शन अप्लाई किया गया है उस फाइल पे, मतलब उस फाइल में एनक्रिप्शन एल्गोरिथम डिक्रिप्शन एल्गोरिथम दोनों अप्लाई करके उसको बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग को वो लगता है कि वो नॉर्मल फाइल है, सिर्फ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सब लगा हुआ है, मतलब वो मोस्ट ऑफ द सिक्योर डॉक्यूमेंट है हमारा। ठीक है, उसके बाद से उसको प्रिंट आउट निकाल लेते तो कोई सिक्योरिटी रहती नहीं है उसमें। ठीक है, जब तक वो पीडीएफ फाइल में तब तक वो सिक्योर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे पब्लिक की एनक्रिप्शन का यूज करते हैं, पब्लिक की डिक्रिप्शन का यूज करते हैं।